हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये डायलॉग मेरा कभी ख़त्म नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, अभी मैंने सोचा वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हमारी पैकिंग होनी है, बहुत सारा काम होना है। पहले सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करेंगे और हाय हेलो करूँगी, चाहे बाकी का पीछे का जो भी वीडियो है वो ऐड कर दूँगी, पर स्टार्टिंग तो आप लोगों का हालचाल पूछ करके ही करूँगी। वीडियो कैसा लगेगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो में जो भी चीज़ आप लोगों को सबसे अच्छी लगती है, सबसे अच्छी लगेगी, वो चीज़ भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए करते हैं व्लॉग की स्टार्टिंग। पैर दबा के दिखा है प्लाजो। कैमरा हिल रहा, तो अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है, करीब 4 बज रहे हैं। तो हम अभी काम पे लग गए हैं, क्योंकि आज बहुत सारा काम करना है। मिठाई भी बननी है, सांदा बनना है, और मुझे जो है वो अपनी सारी पैकिंग भी करनी है, सारे कपड़े लगाने हैं। सारे ही कपड़े जो हैं वो इधर उधर पड़े हुए हैं, तो सारे कपड़ों को समेट करके सबको तह करके रखना है। तो फ़िलहाल जो कपड़े धुले थे मैं वो सारे कपड़े उतार रही हूँ। बहुत सारा काम है, तो आज टाइम से ही सब लोग अपने अपने काम पर लग गए हैं। अभी जो है मैं फेस वॉश कर रही हूँ अपना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चिपचिपसी हो रही है, और ठंडा सा एक गिलास पानी भी पी लेंगे। नल का पानी हमारे बहुत ठंडा आता है, जैसा हम फ्रिज में रखते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही पानी जो है हमारे नल में से निकलता है। इसलिए हम लोग ना फ्रिज में पानी नहीं रखते हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर भाभी भी बैठी हुई है, गुन्नू को बाहर ही लेकर के बैठ गई है। थोड़ी सी वैसी भी हवा लगनी चाहिए, पूरा दिन अंदर ही अंदर भी ठीक नहीं रहता है। तो बस अभी मैं अपने जो बाल हैं वो कंघी कर लूँगी, और मांटू के भी जो बाल हैं वो भी मुझे सुलझाने हैं, उसकी भी चोटी बना दूँगी। और मैं उसके बाल जाते ही जो है वो कटवाने वाली हूँ, क्योंकि
परेशान हो रही है गर्मियों में ना, हो ही जाते हैं। अभी इतनी बड़ी भी नहीं हुई है कि उसके मैं बाल बढ़ाऊँ या कुछ वो करूँ, तो उसके भी बाल मुझे कटवाने हैं। तो बस यहाँ पर मम्मी जो है वो लग गई है अपने काम पर, सांदा बनाना है मम्मी को, और सांदा बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपको लोगों को तो पता ही होगा, जो लोग बनाते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और बस मैं अपना सारे जो कपड़े हैं उनको तह लगा करके रख दूँगी। गुन्नू के भी छोटे छोटे से कपड़े बहुत सारे होते हैं, उसको भी उसके उसमें, क्योंकि अगर हमारे कपड़ों में उसके कपड़े रल जाते हैं तो फिर मिलने मुश्किल हो जाते हैं। तो सांदा बनाने के लिए पहले सारी ही चीज़ों को घी में तला जाता है। मखाने हो गए, कनी हो गई, जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं वो। तो मैं गोले को कद्दूकस कर रही थी अभी, तो फिर मुझे आइडिया दिया हमारी भाभी ने, कह रही इसको ना आप मिक्सी में डाल के गोले को और उसमें कर लो, अच्छा हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा हुआ और बहुत जल्दी हो गया, बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे कि हम कद्दूकस करते हैं वही वाला। और वैसे करती तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता। तो दो गोले थे वो मैंने मिक्सी में कर लिए हैं, और इसको भी जो है सांदे में डालेंगे, बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी मैं ऊपर आई हूँ, मम्मी नीचे सांदा बना रही है, मिठाई जमाएगी, फिर मैं आई हूँ ऊपर अपने कपड़े छांटने के लिए। देखिए हमारे कपड़ों की हालत, देखो एक शोरूम सा तो ना हमने यहाँ ऊपर लगा रखा था, सारे कपड़े मतलब कि ऐसे हो रहे हैं। मेरे छट जाएंगे, फिर मेरी बहन जाएगी उसके निकल जाएंगे, तो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा। फिर सब लोग अपने तरीके से लगा लेंगे अपने कपड़े। फिलहाल तो सबसे पहले मैं ही निकाल लेती हूँ अपने कपड़े, यहाँ से छांटने पड़ेंगे, टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। अभी नीचे ना मम्मी का थोड़ा सा वो करवा के आई हूँ, सांदे का काम, तो इसको कपड़ों को देखती हूँ अभी। सारे कपड़े लेकर के मैं आ गई हूँ नीचे, और फिलहाल जो है सारे कपड़े मैंने निकाल के खाट पे रख लिए हैं। मैं अपने कपड़े लगा लूँगी एक बैग में, और मांटू के कपड़े लगा लूँगी एक बैग में, वरना तो क्या होगा ना, सारे कपड़े रल जाएंगे। और अभी तो पैक तो हो जाता है वो भी ठीक है, पर जब घर जा कर के अनपैक करना पड़ता है ना, जब बड़ी दिक्कत होती है। तो बस अभी बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम रहे हैं, मैं तो पता नहीं कितने सालों में इतने टाइम अपने घर रही हूँ, एक महीने से ज़्यादा ही हो गया है। 13 तारीख में हम आए थे, तो आप लोग लगा ही सकते हो कि कितना टाइम हो चुका है। मम्मी यहाँ पर जो है वो सांदा बना रही है, और मिठाई भी बनानी है मम्मी को। मैं अपना यहाँ पर कपड़े लगा रही हूँ, मेरी बहन जो है वो खाने पीने का देख रही है, भाभी जो है वो अभी गुन्नू को तो ले लेती हैं, इतना वो करने लगी है कि गुन्नू को रख लेती हैं। और बस सभी सब अपने उसमें लगे हैं। पापा तो कह रहे हैं कि तू क्या कर रही है, मेरी बहन कहने लगी जाएगी नहीं, सब पापा कह रहे हैं कि वहाँ क्या करेगी, मतलब पापा हर बार यही बोलते हैं कि वहाँ क्या करेगी, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है कि हम जाएं। किसी भी माँ बाप को वो नहीं होता है, होती है मन में कि बस यहीं पे रहे। तो अभी मैंने कुछ कपड़े तो लगा दिए हैं, काफ़ी सारे कपड़े जो हैं वो रह गए हैं, तो वही लेने के लिए मैं जा रही हूँ अभी ऊपर। मैं गाल लूंगी, जा रहा जी नहीं लग रहा, मजा नहीं आया। तो अभी जो है सांदा तो बन गया है, मम्मी यहाँ पर निकाल रही है मावा। और ये ना जैसे आप लोग देख रहे हो स्टील के, मम्मी लाई है हमारे लिए कनस्तर, मेरे लिए और एक मेरी बहन के लिए,
ये नेक दिया जाता है साईं घलाई का, तो वही जो है नेक हमें दोनों को मिला है, मुझे और मेरी बहन को। तो अभी तो मैं ही जा रही हूँ, तो मैंने अपना सांदा, मम्मी ने मेरा सांदा और मिठाई अभी बना देगी, और जब मेरी बहन जाएगी तब उसका मिठाई और सांदा बना देगी। तो सारा मैं इसमें डाल रही थी, पर सारा सांदा इसमें आया नहीं, क्योंकि जब जाते हैं ना ससुराल, ये एक रीत होती है कि वहाँ पे जा कर के बांटना होता है, जो अपना पड़ोस होता है, मोहल्ला होता है, उसी में अपने परिवार में सब लोगों को। और एक ये कैसी रीत है ना, लड़की को अपने ससुराल जाना है और सब कुछ लेके जाना है, सारी चीज़ें सोचती है, मायके में रहती है तो मतलब कि जाना ही पड़ता है यार, कोई लड़की नहीं रह पाती अपने मायके, कोई नहीं रह पाती, रहने भी नहीं देगा यार कोई, 10 दिन रह लो तो ये होता है। और ये बातें होने लगती है, अरे इसकी लड़की आ रही, क्या कुछ बात है, क्या कुछ बात है इसके ससुराल में, मतलब इस तरीके के वो होने लगते हैं। तो ऐसे बोलते ही हैं कि लड़की जो है वो अपने घर ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने सांदा जो है वो डाल दिया है टिपन में, एक भिगोने में डाल दिया है और उसमें डाल दिया, क्योंकि उसमें तो सारा नहीं आया था। अभी ये सारा सामान उठा करके रख देंगे, काफ़ी टाइम भी हो रहा है। और हमारी जो गुन्नू है वो झूल रही है पालने में, वो सो रही है, उसको अब थोड़ी सी आदत पड़ गई है पालने की, तो वो आराम से सो जाती है। अभी जो है उन दोनों प्रांत जो सांदे की हो रही थी उनको मैं साफ़ कर दूंगी, क्योंकि इसमें लगाना है मुझे घी। मम्मी मिठाई जमा रही है ना, बर्फ़ी जमा रही है, तो उसी के लिए, और आटा भी बनना है, खाना बनने का भी टाइम हो ही रहा है अभी। तो अभी जो है सांदा तो बन गया है, कपड़े काफ़ी हद तक तो लग गए, अभी एक बैग में लगे हैं, क्योंकि मैं एक ही बैग लेके आई थी और दूसरा बैग कल आएगा, तो तह बना के जो है साइड में रख लूँगी उनको, और जब कल बैग आएगा तो तभी लगा लूँगी। और अभी मिठाई जो है वो बन रही है, थोड़ी देर का काम रह रहा है इसका भी, और कपड़े थोड़े बहुत रह गए हैं, थोड़े बहुत मैंने रख लिए, मैंने सोचा पहले वीडियो का एंड कर देती हूँ। अभी इधर उधर कपड़े और भी रखे हुए हैं, और वैसा सामान भी रखा हुआ है, ड्रेसिंग में भी शैम्पू वैम्पू सारी चीज़, क्योंकि कल को फिर सुबह को जल्दी ही जाया जाएगा, तो उससे पहले ही सारे आज ही सारा सामान करके रख लेंगे। मिठाई भी बन गई है, सांदा भी बन गया है, बस इनको रखना रखना है। तो चलिए अभी इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर एंड, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों को यहाँ के वीडियो पसंद आते हैं, आप लोग कमेंट भी करते हो कि आपके यहाँ के वीडियो पसंद आते हैं। कुछ लोगों को मेरठ के वीडियो पसंद आते हैं, मेरठ की के जिनको मेरठ की वीडियो पसंद आती हैं वो तो ऐसे ही हैं, 3-4% लोग ही हैं, वरना जो घर के हैं गाँव के ससुराल के मेरे, वहाँ के भी सभी को काफ़ी पसंद आते हैं। तो वो तो लोग दुखी होंगे थोड़े से जिनको यहाँ की वीडियो अच्छी लगती है। तो चलिए जी अभी इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोगों से मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।